नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बड़ी खबर में। जी हां दोस्तों, आप लोग को बता दें, बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, आप लोग को बता दें, बिहार में शराब के कालाबाजारी को देखते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शराब को चालू करने का फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, आप लोग को बता दें, कहा जा रहा है कि मार्च 2021 में बिहार में शराब चालू हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोग को बता दें, बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद होते हुए भी शराब का तस्करी जोर शोर से हो रहा है और इसमें मुनाफा पुलिस प्रशासन को हो रहा है और सरकार को एक पैसा का भी मुनाफा नहीं हो रहा है, जिसके चलते नीतीश कुमार ने ये बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि मार्च में बिहार में शराब चालू हो सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोग को बता दें, नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है, यानी कि शराबबंदी कानून को अब बिहार से बंद करने का फैसला लेने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।